पता है असली खिलाड़ी किसे कहते हैं, जो लाइफ की हर कठिन परिस्थिति में भी मैदान नहीं छोड़ता। इस वीडियो में आपको दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप इस उभर चुके सितारे को जानते ही होंगे, और दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बंदे के संघर्ष भरी कहानी को नहीं जानते। दोस्तों रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1998 को सौराष्ट्र में हुआ था। आज जडेजा भले ही आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, एक समय ऐसा था जब उनका परिवार भी बहुत गरीब था। इस बंदे के पिता एक चौकीदार थे, और हर पिता का अपने बेटे के प्रति एक सपना होता है। ठीक इसी तरह इस बंदे के भी पिता चाहते थे कि मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने, बट इस बंदे को क्रिकेट में बहुत लगाव था। जडेजा ने अपनी माँ को बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वह अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहते हैं। उस दिन से उनकी माँ भी यही चाहती थी कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने और मैं उनको मैदान में खेलते हुए देखूं। इससे पहले कि जडेजा इंडियन टीम में अपना झंडा गाड़ते, उसके पहले साल 2005 में एक एक्सीडेंट में उनकी माँ की मौत हो गई। उस समय यह बंदा सिर्फ 17 साल का था। माँ की मौत का सदमा यह बंदा सहन नहीं कर पाया और यह फैसला ले लिया कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जडेजा की बड़ी बहन ने उसे समझाया और फिर से अपना और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए यह बंदा मेहनत में जुट गया। और फिर क्या था, बंदे के अंदर टैलेंट हो और दिन रात की मेहनत हो तो सक्सेस को भी बंदे के सामने झुकना पड़ता है। 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ इस बंदे ने अपना पहला वनडे डेब्यू मैच खेला, और 13 फरवरी 2012 को इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू मैच खेला, और मैं आपको बता दूं 10 फरवरी 2009 को इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू T20 मैच खेला था। और ऐसे ही टैलेंट के दम पर वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग ने इस बंदे को 7 करोड़ रुपए में खरीदा था। लगातार अपनी उपलब्धियों के कारण साल 2019 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों यह थी सर रविंद्र जडेजा, जिसको प्यार से हम जड्डू भी बोलते हैं, उनकी सफलता की कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आगे जड्डू की बॉलिंग और बल्ला और फील्डिंग हल्ला ऐसे ही मस्ता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यह वीडियो अपने हर क्रिकेट फैंस को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।